अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना से एक और नेता का निधन। सांसद के निधन से दुखी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर जाहिर किया अपना दुख। दिवंगत आत्मा के लिए की प्रार्थना। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है और हर रोज देश भर से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां कोरोना से आम लोगों के साथ साथ योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन तक हो चुका है। साथ ही हर रोज प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक और सांसद के कोरोना से मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई और तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सांसद के निधन पर अखिलेश यादव ने भी दुख जताया और ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं परिवार को दुख सहने की ताकत देने की भगवान से प्रार्थना की। अखिलेश यादव के अलावा और भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने ट्वीट कर दिवंगत सांसद की आत्मशांति की प्रार्थना की। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अचानक हुए सांसद वसंत कुमार के निधन से मैं बेहद सकते में हूँ। मेरी संवेदनाएं दिवंगत सांसद के परिवार और करीबियों के साथ में हैं। अखिलेश यादव ने अंग्रेजी में ट्वीट कर अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। आपको बता दें कि दिवंगत सांसद कांग्रेस के टिकट पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जीते थे, जो कोरोना से संक्रमित थे और उनका इलाज लंबे अरसे से चल रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी सांसद वसंत कुमार को बचाया नहीं जा सका। सांसद के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में भी शोक की लहर है। वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने भी अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिवंगत सांसद की आत्मशांति की प्रार्थना की और श्रद्धांजलि दी। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना का हाल ये है कि हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंता बढ़ा रहे हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अकेले प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुल 707 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की तो 5,447 नए केस पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं और अब तक कुल 3,294 लोगों की कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की तो 275 लोगों में कोरोना का संक्रमण 24 घंटे के अंदर मिला है, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार दावा तो कर रही है कि वो कोरोना को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन हर रोज आते आंकड़े कई सवाल उठाते हैं। ऐसे में आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।